क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए। यह टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउट नट ऐप पे जाकर ये कोर्स खरीदिए और आपके खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDS Info में। अगर आप GDS का नौकरी करते हो या फिर करना चाहते हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो GDS Info को, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, तो आज एक दुखद बात की डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल जो है एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, पता नहीं डिपार्टमेंट चाहता क्या है, जहाँ पर पिछली साल में ही कहा गया था कि ऑल जो प्रमोशन एग्ज़ाम वो 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या क्या है, अब जो है जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई बाहर से उसमें जाता है तो उसको CHSL एग्ज़ाम देना पड़ता था, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन अब वो जो है जो उस एग्ज़ाम को जो क्राइटेरिया था उसको 12th क्लास पास से लेके अब उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा ड्राफ्ट किया गया है, क्लियरली सुन लीजिए, ऐसा अभी कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन ये बहुत जल्द कंफर्म हो भी सकता है। ठीक है, उस पर ड्राफ्ट किया गया है और उस पर आप कह रहा है कि ग्रेजुएशन छोड़ के कोई भी पीपल जो है उस पर नहीं जा सकता। इससे सैलरी का थोड़ा हाइक उनको देखने को मिलेगा, लेकिन जो है प्रॉब्लम GDS को भी है, क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कह रहा है कि GDS से अगर आपको प्रमोशन लेना है उस पोस्ट में तो आपको 8 ईयर्स लगेगा। ठीक है, कैन यू इमेजिन, 8 ईयर्स लगेगा आपको एज ए GDS का काम करते हुए, 8 साल लगेगा तब जाके आपको पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग तो प्रमोशन के लिए ही आए हैं, भाई डिपार्टमेंट क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये बहुत 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 गलत एक प्रस्ताव है, जो कि किसी भी हालत में इसको जो है सहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये अभी भी ड्राफ्टिंग है। ठीक है, अभी भी इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ये इम्प्लीमेंटेड होने वाला है। ठीक है, क्या इम्प्लीमेंटेड होगा, क्लास 10+2 का जो एग्ज़ाम था, जो CHSL का एग्ज़ाम था, जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने का एग्ज़ाम था, उसको जो है अब उसका क्राइटेरिया 12+ से लेके ग्रेजुएशन किया जा रहा है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया 12+ से लेके ग्रेजुएशन पास में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पता नहीं क्यों किया जा रहा है, पहले ही 12+ में भी ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता था। ठीक है, और जब GDS को पहले प्रमोशन लेना होता था, जो जैसे कि आप लोगों को पता है GDS टू MTS आपको 1 ईयर लेना पड़ता, सॉरी 1 ईयर तो पहले था, अब जो है GDS टू MTS 3 ईयर्स का रेगुलर सर्विस आपको चाहिए, GDS टू पोस्टमैन आपको 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस चाहिए, GDS टू PA आपका 5 ईयर्स का सर्विस चाहिए था। लेकिन अब जो है 5 ईयर्स तक तो माना जा सकता था, लेकिन अब जो है GDS टू PA का प्रमोशन लेने के लिए आपको 8 ईयर्स इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा एक रेगुलेशन में ड्राफ्टिंग में आया है। अगर आप वो ड्राफ्ट देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप वो ड्राफ्ट देखना चाहते हो तो कम्युनिटी में मैं दे दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो में उसका जो पहला ड्राफ्ट है उसका लेके भी वीडियो बना दे सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बहुत 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 गलत किया है GDS एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, ये एक तरीके से धोखा नहीं तो और क्या है। ठीक है, अब तो हमको यही लगता है कि पहले देखिए CHSL का जो एग्ज़ाम होता था उसमें ही तीनों तरह का ही पोस्ट होता था, DEO का पोस्ट होता था और LDC का थोड़ा बहुत पोस्ट होता था, और LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और बाकी पोस्ट जो होता था मेनली पोस्ट जो होता था वो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का ही होता था। लेकिन अब जब है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का ही जब क्वालिफिकेशन 12+ से लेकर ग्रेजुएशन कर दिया गया है, तो तब आपको जो है मुझे पता नहीं कि अब CHSL का कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं, या फिर CHSL का टोटल फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए
मेहनत करते हैं उनको पता होगा कि एनआरए सीईटी आने वाला है, ठीक है, इसके लिए जोरों शोरों से काम हो रहा है। लेकिन ये जो है शायद ये सीईटी का ही एक प्रीवियस चैप्टर है, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपडेट आपको कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल जो जीडीएस के लिए बात करता है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे फास्ट अपडेट और सबसे क्विक अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकता है तो जीडीएस इन्फो में, ठीक है। तो ऐसा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो खुद से धोखा कर रहे हैं आप, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं जीडीएस इन्फो को, ओके। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बाद में कमेंट में आप पूछते रहते हैं ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, ठीक है। तो 10+2 का जो एग्ज़ाम था, जो 10+2 का जो CHSL के थ्रू होता था, और DDS to PASA जो डिपार्टमेंटल प्रोमोशन एग्ज़ाम था 5 ईयर्स के रिगार्डिंग, उस प्रोमोशन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया अब 5 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स किया जा रहा है, ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ठीक है, जो फाइनल नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं 2019 में भी ऐसा एक बार बात हुआ था, लेकिन उस बार से इस बार बहुत सीरियस काम हो रहा है और ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब ये अगर इम्प्लीमेंटेड होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान करे कि इम्प्लीमेंटेड ना हो, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंटेड होता है तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना आप लोग और हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ईयर्स एक पोस्ट में रहना कोई आम बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो के जल्द से जल्द आएंगे। गुड बाय, थैंक यू।